हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सुधा मेहता। तो मैं अभी नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे पार्लर जाना है, और उसके पहले मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कुछ करती हूँ अलग। तो मैं बताती हूँ क्या करती हूँ, सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। तो उसके पहले तो यहाँ पर मैं कुछ सामान निकाली हूँ जो कि मेरे एनिवर्सरी में मुझे गिफ्ट मिला था, और बहुत सारा गिफ्ट है मेरे पास एनिवर्सरी का, बहुत सारा गिफ्ट है। लेकिन वो सब यूज सब एक तरह का ही बहुत सारा गिफ्ट है, इसलिए मैं उन लोगों को रहने दी हूँ अंदर में ही। और मैं कुछ गिफ्ट निकाली हूँ यहाँ पे जो मैं सोच रही हूँ कि डेकोरेट कर दूँ थोड़ा सा। तो एक ये फ़ोटो फ्रेम है, एक ये फ़ोटो फ्रेम है, उस तरफ फ़ोटो फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम नहीं है, इसे क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं। तो ये है जिसमें मैं अपने और अपने हस्बैंड के साथ पिक लगाऊंगी, और ये है, और एक अच्छा एक ये है, ये तो मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाली थी कि मैं सोची कि उन्हें उनको दे दूँगी ऑफिस में जा निकले, लेकिन वो ये गणेश जी का मूर्ति है वो शायद भूल गए, लेके गए नहीं है, तो मैं इसे अलग रख देती हूँ, वो लेके चले जाएंगे। और ये मुझे ना मेरी प्यारी दी है, निशु दी है, वो मुझे एक गिफ्ट देती है, फ़ोटो एल्बम है। तो ये मेरा गिफ्ट, ये मैं इसमें पिक लगाएंगी, एक मिनट, ये मैं जब कश्मीर घूमने गई थी उस टाइम का ये पिक है, देख रहे हैं, ये पिक है, ये मेरे हस्बैंड है, और दिख रहा है ना आप लोगों को, और भी दिखाती हूँ। और ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, ये सारा पिक है हमारा। तो पता नहीं इसमें शायद नहीं आ पाएगा। क्योंकि मेरी शादी लव मैरिज है और फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, ज़्यादा लोग क्या मतलब कि सिर्फ मेरी मम्मी थी बस। तो हम लोगों का शादी घर पे ही हुआ था, लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ था। तो मैं इस तरह से पिक लगाई हूँ दो करके, क्योंकि इसके साइज़ का मेरे पास एक भी पिक नहीं है, तो या तो मुझे उसे कटिंग करना पड़ता या तो फिर और कोई था ही नहीं चारा, तो फिर मैं ना इसमें दो पिक लगा दी एक साथ, मैं इधर भी एक पिक लगाऊँ। यहाँ पर मैं दो कवर निकाली हूँ जो कि शायद ये छोटा है, तो मैं यहाँ पे एक और कवर ली हूँ। ये ऐसा है ब्लाउज का जो पीस रहता है, ब्लाउज का जो कपड़े रहते हैं वो है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी, बहुत इसे रखा हुआ ही था, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी से मैं कुछ कर लेती हूँ। तो आइए,
है मेरा छोटा सा मेकओवर। ये मेरी 3 साल पहले की पिक है और ये मेरी 2 साल पहले की पिक है और ये 5.5 साल पहले की। तो आप लोगों ने देखा मेरा छोटा सा मेकअप और मैं जा रही हूँ पार्लर, फिर मैं आऊँगी तो आप लोगों से बात करूँगी अगर टाइम मिले तो। तो मैं आ गई हूँ घर और अब मैं चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद रात की डिनर का तैयारी करूँगी और अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे तक मैं डिनर के लिए किचन में चले जाऊँगी और मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ आज, तो उसकी भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आइए, मैं आ गई हूँ किचन में और प्लान में थोड़ा सा चेंज है कि रसगुल्ला नहीं बनेगा आज और मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की सब्जी और रोटी। मैं अब प्याज को पीस के डालूंगी और पीस के ग्रेवी लगाऊंगी ताकि ग्रेवी गाढ़ा थोड़ा बने, इसलिए मैं प्याज को काट के और पीस रही हूँ। तो मेरा खाना बन चुका है और अब हम लोग खाना खाने जाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो मैं आप लोगों को गुड नाइट बोल देती हूँ क्योंकि 10 बज चुके हैं और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और बहुत ज़रा प्यार दें। बस गुड नाइट, बाय।